अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सच जानना है ना तुझे? आज मैं तुझे बताता हूं कि सच क्या है, ताकि तेरा सच भी सबके सामने आ सके। अरे बड़े के पापा क्या कर रहे हो? तबीयत बताना इसका। नहीं बड़ी माँ, आज आप इस मामले में मत आइए प्लीज। सच पे पर्दा डालने की हम सब की कोशिश ने आज ये दिन ला दिया है कि एक लड़की की इज्जत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसकी इज्जत को तार तार कर देने वाला कोई और नहीं, उसका पति होने का दावा करने वाला इस घर का लाडला है। अगर सुमन इसकी पत्नी होती भी तो भी इसको यह अधिकार नहीं है कि यह उसके साथ जबरदस्ती कर सके। और यहां तो मामला यह है कि सुमन इसकी पत्नी है ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सुमन मेरी पत्नी ओके थी, सुमन तेरी पत्नी थी, अब नहीं है। जिस रिश्ते को तू नाजायज बोल रहा है, उस रिश्ते को इस घर ने, इस समाज ने, सारे रिश्तों ने, यहां तक कि खुद भगवान ने मंजूरी दी है। सामाजिक और कानूनी रूप से सुमन अब मेरी पत्नी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। ये सच है नंदन, ये ही सच है। और आज तुझे पूरा सच जानना होगा, क्योंकि आधे सच से मन में कई सवाल रह जाएंगे। ये सच है कि सुमन तुझसे पहले प्यार करती थी, लेकिन ये भी सच है कि सुमन को सबसे पहले मां ने मेरे लिए पसंद किया था। अरे इसे तो उस बात की भनक तक नहीं थी। और जब तूने पहली बार सुमन पर शक किया था, तब भी वो निर्दोष थी। अरे मैं प्यार करता था सुमन से, बस कभी कह नहीं पाया। और जब मुझे पता चला कि सुमन तुझसे प्यार करती है और तू सुमन से, तो मैंने कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया। और मैं तुम दोनों को मंदिर लेके गया तुम दोनों की शादी कराने के लिए। जिसकी वजह से मां ने मुझे पहली बार सजा दी, जिस मां ने इन गालों को हमेशा प्यार से सहलाया, उस मां ने पहली बार इस गाल पे थप्पड़ मारा। और फिर तुम दोनों का शादीशुदा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और सुमन ने तेरे नाम के साथ तेरी विधवा बनकर जीने का फैसला किया। अरे तुझे पता है विधवा बनने के बाद क्या क्या नहीं सहा इसने, किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा इसे। और ये तब तक ऐसे ही जीती रही जब तक मेरे लिए, मेरे कहने पर अपना जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं हो गई। मैं
फिर अंत में जब इसके जीवन में खुशियां दस्तक दे रही थी। तो तू लौट आया और ये फिर जिंदगी के सामने हार गई। तेरी तबीयत को ध्यान में रखते हुए हम सबने ये बात तुझसे छुपाने का फैसला किया। अरे इस लड़की ने तेरी जिंदगी के लिए अपनी खुशियां दांव पर लगा दी और तू दादाजी के नाम पर। बेटा सुन, अंशुमन बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। हमारे घर की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस बच्ची ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी बेटा। अगर सुमन नहीं होती ना तो हमारा पूरा घर परिवार सड़क पे आ जाता। सुमन ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बेटा ये सब सच है। कि जब तुम लौट के आए थे तो हम बहुत खुश थे बेटा, और खुशी में ये बात भी भूल गए कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए, तुम्हें कोई सम्मान लग जाए बेटा, कि सुमन ने आज भी अपनी खुशी इस घर के लिए दांव पे लगा दी बेटा। संभालो अपने आप बेटा। नंदन सुनो बेटा, क्यों कह रही है? सुनो, नहीं बेटा, नहीं, ये सच है बेटा। सच हो या झूठो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये शादी क्यों। नंदन बउआ, नंदन 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 बेटा, नंदन 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 बेटा, नंदन नंदन बचुआ। अरे यही चाहती थी ना तू, यही चाहती थी ना। अरे विधाता रक्षा करो हमारे बच्चे का, ये विधाता। इसका ऑक्सीजन लेवल तो नॉर्मल है। ये डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? डॉक्टर की जरूरत नहीं आंटी, कल से नंदन ने दवाइयां नहीं ली थी, अभी दवाई दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए रेस्ट कर लीजिए। जब तक नंदन को होश नहीं आता हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा है चली गई थी सुल्तानगंज, वापस लौट के क्यों आई मारने के लिए नंदन को? हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, ऐसा ना बोले, आप इससे कोई फायदा नहीं होने। देवर जी, सच को दबाने से देवर जी सच दब नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। सच तो यही है